exhibition hall, and we are now discussing. We are with Indra, the chairperson of Indra Kala Kendra. Mrs. Indra Prakash. She will tell us about the exhibition and its work. मैं रविंद्र प्रकाश है। मैं राजस्थान में एक बार उदयपुर में एग्जीबिशन कर किया है। आज इसकी ओपनिंग हुई है। ज़्यादातर मैंने स्त्री पर फोकस किया है, जो यहाँ पर स्त्रियों के साथ जो हो रहा है, भ्रूण हत्या वगैरह, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है। स्त्री में कितनी शक्ति है, इसलिए वही थीम मैंने पराशक्ति का नाम दिया है अपने पेंटिंग्स का थीम। पराशक्ति मीन्स पराशक्ति से परे कोई नहीं है। और मैंने इसमें कुछ पेंटिंग्स स्त्री के ऊपर बनाई हैं, जैसे कि हर आदमी के जो सक्सेस के ऊपर एक औरत पीछे उसका हाथ, औरत का ही हाथ होता है। जैसे बुद्धा जब ज्ञान करने तपस्या करने बैठे थे, उनको जब खीर खिलाई थी तभी उनके सुजाता नाम की एक स्त्री ने खीर खिलाई थी, तभी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक पेंटिंग मैंने बनाई है जैसे स्त्री के आंचल में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। एक स्त्री मैंने ऐसी पेंटिंग में मैंने बनाई है कि वो पीढ़ियाँ तोड़ के अगला से सबला बनने जा रही है, और उन्होंने बुद्धा को खीर खिलाने के बाद भी सुजाता नाम की स्त्री ने तभी इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब ये रूप दिया है प्राण रूप ने, अपने सिर्फ अर्थ लिए हुए है, गोद में बच्चा भी है। एक स्त्री एट ए टाइम चार काम कर सकती है, लेकिन पुरुष जो है एक टाइम में एक ही काम कर सकता है, लेकिन स्त्री बाहर जॉब भी करेगी बच्चे। इस पेंटिंग को मैंने ये दर्शाया है कि इसके आंचल में पूरा ब्रह्मांड जितनी शक्ति है उसमें आंचल में ही ब्रह्मांड दिखा दिया है मैंने इनको, जैसे पराशक्ति का रूप दिया है मैंने उनको। लॉर्ड बुद्धा है, ये पेंटिंग है चेंजिंग डेफिनेशन, मीन्स ये बेड़ियाँ तोड़ के बाहर निकली हुई है, अबला से सबला बनाया है। फिश से मैंने पानी को दर्शाया है, अर्थ से बालों से हवा को, सन से अग्नि को, फाइव एलिमेंट्स पर है। एक औरत इतनी खूबसूरत हो सकती है इसकी एक तरह से देखा जाए तो खूबसूरती के साथ नेचर भी खूबसूरत बन और घर को भी खूबसूरत बना सकती है। आप इसको मैं पीस दूंगी, जिसे ऊपर जिस कलर जा रहा है वाइट पीस, मतलब एक अच्छा मैसेज साइन देता है। ये मैंने ब्राइट कलर दिए हैं तो इसमें हैप्पीनेस है। कैलेंडुला करके फ्लावर है, ये ऐसे ही फ्लावर बना दूँ। ये जो वेव्स हैं नीचे ऊपर, मैंने इसको अर्ली मॉर्निंग नाम दिया है। अर्ली मॉर्निंग कैसे? इसकी वेव्स जब सन जब जाता आता है और जब फुल मून होता है तो एक तो उत्तम होती है वेव्स, और जब सन जैसे उगता है तो तब भी वेव्स ऊपर आती है। ज्वार वाटा तो सन का रूप उसमें वो उसमें आया है ना ऑरेंज और रेड कलर, तो इसमें अर्ली मॉर्निंग मैंने इसको नाम दिया है। फ्लावर पेंटिंग है लॉर्ड गणेशा, मॉडर्न लॉर्ड गणेशा। बेसिकली इंस्पायर किससे हुई पेंटिंग? बचपन से तो मुझे कंपोजिशन अच्छी लगती थी, जैसे राजा रवि वर्मा की पेंटिंग, जैसे अभी बोर्ड पर मैंने शुरू में कंपोजिशन ही बनानी शुरू करी थी, जैसे ये वाला बाद में फिर मैंने ऑयल कलर शुरू किया। बुद्धा पे काफ़ी बनाया मैंने, जब बुद्धा किंग थे उस टाइम में, जैसे पद्म पाणि जैसा बनाया था, जो उसका नाम सिद्धार्थ था उस टाइम, उनको क्या क्या कैसे कैसे कहाँ कहाँ रहते थे, उनका स्नान वगैरह पैदा होने से पहले जो उनकी माँ माया थी, वो कौन कौन से स्वप्न दिखाई दिए थे, आठ सिंबल थे उनके, वो उस पर मैंने पहले बनाया। फिर आएंगे घर आएंगे, डिनर में आएंगे तुम्हारे यहाँ।